अगली खबर मुरादाबाद से, जहां पर बच्चा चोर गैंग का खुलासा हुआ। पुलिस को 11 महीने का एक बच्चा बरामद हुआ। आरोपी हैदर ने समीर नाम के युवक को बच्चा बेच दिया था। आरोपी ने सीतापुर के रहने वाले धर्मेंद्र का बच्चा चोरी किया था। मुरादाबाद जीआरपी का ये मसला है, जहां पर बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया और साथ ही बच्चा चोरी करने वाले, बच्चे को बेचने वाले शख्स को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उन लोगों को भी पकड़ा है जिन्होंने बच्चा खरीदा था। खबर गाजीपुर से, जहां पर कमरे में बुजुर्ग का शव मिला है और आशंका जताई जा रही है कि बुजुर्ग के सिर पर वार करके हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। घटना दुल्लापुर थाना क्षेत्र के तिरछी गांव का है, जहां पर रहने वाला रामनाथ चौहान अपने घर में अकेला था। उसकी पत्नी और बच्चे दूसरे मकान में थे। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इस सूचना पर यहां आए, प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि किसी ने उनके सिर पर प्रहार करके घटना को कारित किया है। अभी परिजनों द्वारा तहरीर नहीं दी गई है, वो बता रहे हैं कोई एक आध अपना विवाद है किसी सामने वाले से जमीन का। जैसी भी तहरीर देते हैं उसके आधार पर और जो भी विवेचना से निकल के आएगा उसके आधार पर अग्रेसर कार्रवाई की जाएगी। उधर जौनपुर में एक परिवार डीएम कार्यालय के सामने आमरण अनशन पर बैठा है। परिवार का कहना है कि उनकी जमीन पर जबरदस्ती रोड बनाने की कोशिश हो रही है, जबकि वो एक किनारे से सड़क बनाने की मांग कर रहा है। इस मामले में कई बार थाना और तहसील अधिकारियों से शिकायत उसने की, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया, बल्कि उसे ही परेशान किया जा रहा है। उसका कहना है कि उसके खिलाफ केस कर दिया गया, क्योंकि वो जबरदस्ती सड़क उसकी जमीन से निकाले जाने का विरोध कर रहा है। ये मामला सरपतहा थाना के भैसाली गांव का है। शाहजहांपुर में बड़े भाई ने छोटे भाई की चाकू गोदकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद शव को बरामदे में फेंक कर फरार हो गया। मामला आपसी रंजिश का बताया जा रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इधर पुलिस और वकीलों के बीच के विवाद में एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी की टीम हापुड़ पहुंची, जहां पर वकीलों का एक दल पेश हुआ और अपनी बात रखी गई वकीलों की ओर से। एसआईटी की टीम के सामने वकीलों ने कहा कि शासन से गठित एसआईटी की टीम में कोई भी बार एसोसिएशन का नहीं है, इसलिए एसआईटी की टीम के सामने सभी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। तो वकीलों का अब विरोध इस बात को लेकर है कि एसआईटी का गठन जिसका किया गया, उसके अंदर बार एसोसिएशन का एक भी शख्स नहीं है, यानी कि वकीलों की नुमाइंदगी नहीं है, और ऐसे में एसआईटी पर इन्हें भरोसा नहीं। डबल इंजन की सरकारी धर्मनगरी को पर्यटन नगरी में भी तब्दील करने का फैसला ले लिया है। आपको बता दें, मथुरा में श्रद्धालुओं के लिए अब क्रूज चलाया जाएगा। श्रद्धालुओं को लेकर क्रूज वृंदावन से मथुरा होते हुए गोकुल पहुंचेगा। पर्यटन नगरी बनने से लोगों को रोजगार के अवसरों का लाभ भी मिलेगा। केंद्र सरकार ने 2 क्रूज वृंदावन से गोकुल तक चलने की अनुमति दे दी है, जिस पर जल्द ही काम शुरू होता हुआ भी नजर आएगा। तो फिलहाल खबर दमदार में इतना ही। आगे बढ़ेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। धामी कैबिनेट की मीटिंग में 20 बड़े फैसलों पर मुहर। 11,000 करोड़ के अनुपूरक बजट को मंजूरी। संविधान